ये तस्वीरें हैं बादली इलाके की, जहां सुबह 7:30 बजे लोग जब अपनी नींद से उठे तो आसमान में धुएं का गुबार देखने को मिला। दरअसल रबड़ गोदाम में जबरदस्त आग लग गई थी और करीब 7:30 बजे दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बढ़ता देख दमकल की और गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और देखते ही देखते दमकल की 25 गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई थी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन क्योंकि रबड़ की फैक्ट्री थी तो दमकल विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी और आग के धुएं से आसपास के लोगों को भी सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 7:30 के करीब शुरू हुई। किस चीज की फैक्ट्री है ये? रबड़ का कुछ मटेरियल स्टोर्ड है इसमें और कुछ पॉलिथीन वगैरह है और थिनर के ड्रम है। हाँ, उसकी वजह से आग बढ़ गई और हवा भी काफी तेज चल रही है, उसकी वजह से कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। तकरीबन 20 गाड़ियां को टर्नआउट हुआ है, कुछ गाड़ियां भरने गई हैं, कुछ यहां पे काम कर रही हैं। फिलहाल मामले की तफ्तीश की जा रही है कि आग किस तरह से लगी। शुरुआती जांच पता चला है कि फायर सेफ्टी का पालन नहीं किया गया और इसी लापरवाही की वजह से आग बढ़ गई। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए साहिल पामरी की रिपोर्ट।